का स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और एक्सप्रेस स्पेशल के साथ मैं हूं रश तिवारी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्रों पर जाकर अपना धान बेचने की कोशिश में जुटे हुए किसानों के पास एक दिन की और मोहलत है, क्योंकि 20 तारीख के बाद धान खरीदी नहीं की जाएगी। लेकिन लोडबी में बीते दिन किसानों के चक्का जाम, तो कहीं बारदाने की कमी, तो कहीं टोकन नहीं मिलने की परेशानी से जूझ रहे किसान धान बेचने से वंचित रह जाने वाले किसानों का आखिर क्या होगा, इसका जवाब आखिर किसी के भी पास नहीं है। खुद सरकार भी मान रही है कि 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था, जबकि अब तक 82 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में कई सवालों के साथ धान खरीदी के लिए बची एक दिन की मोहलत कुछ किसानों के लिए चिंता की वजह बन गई है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हेमंत शर्मा से बातचीत करेंगे। हेमंत, एक दिन की मोहलत बची है, 82 लाख मीट्रिक टन जो अभी तक धान खरीदी जा चुकी है, बाकी का तो बचा हुआ है, एक दिन में कैसे तमाम चीजें होंगी? किसानों की भी कई समस्याएं हैं, उसका भी निराकरण नहीं हो पा रहा है। देखिए, 15 फरवरी तक पहले किसानों का धान खरीदा जाएगा, ये निर्णय लिया गया था, लेकिन जिस तरीके से मौसम की मार पूरे छत्तीसगढ़ में देखने को मिली और उसी के कारण कई जगहों पर तौलाई बंद थी, तो उसको देखते हुए सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया कि 5 दिन जो धान खरीदी की तारीख है वो बढ़ाई जाएगी और 20 तारीख तक जो धान खरीदी है वो अब प्रदेश में होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी बड़ी संख्या में किसानों ने अपने धान नहीं बेचे हैं, उससे कहीं ना कहीं परेशानियां अब निकल कर सामने आ रही है। आज टोकन बटने का आखिरी दिन है, इसके बाद टोकन नहीं मिलेगा, और जबकि सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं और 82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी अभी तक हुई है, यानी अभी भी जो लक्ष्य से दूर अभी नजर आ रही है राज्य सरकार, और कई जगहों पर बारदाने की समस्या सरकार का भी फेलियर यहाँ पे निकल के सामने आया है। कहीं बारदाना नहीं था, मौसम की मार की वजह से भी धान खरीदी नहीं हो पाई, और 5 दिन अगर बढ़ा दिए गए हैं तो लक्ष्य तो सरकार का भी 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का पूरा नहीं हुआ है। एक दिन में जो तमाम किसान है, जो बचे हुए शेष किसान है, वो आखिर कैसे धान को बेचेंगे, क्योंकि टोकन भी नहीं दिया जाएगा। अब तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि जब से धान खरीदी प्रदेश में शुरू हुई है, कहीं ना कहीं हर जगहों से कुछ न कुछ अव्यवस्था निकल कर सामने आ रही है। किसानों की जिस तरीके से किस काल में किसानों पर लाठियां चलाई गई है, वहां पर किस काल में किसान ये मांग कर रहे थे कि बारदाने की जो समस्या है वो दूर हो। आपको रोकना चाहोगे, इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक श्री चंद्र सुंदरानी जी जुड़ गए। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। नमस्कार सुंदरानी जी। सुंदरानी जी, सरकार ने 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का जो लक्ष्य रखा था, उसमें से महज 82 लाख मीट्रिक टन जो धान खरीदी हुई है, और एक दिन की मोहलत बस अब किसानों के पास है, लेकिन टोकन देना भी बंद कर दिया है। जो शेष किसान है जिनका अभी तक धान नहीं बिका है, उनके सामने तो दिक्कत ही दिक्कत। प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। ऐसे 2 लाख पंजीकृत किसान है जिनका धान नहीं बिक पाया, 1 महीना धान खरीदी लेट शुरू किया और उसके बाद बरसात की मार, टोकन एक एक महीना न देना, किसानों के दम पे जीती सरकार, किसानों पे दम पे मुख्यमंत्री बने भूपेश बघेल, किसानों की पूरी तरह अवहेलना कर रहे हैं। आज किसान सड़क पे है, बिना राजनीतिक दल के आंदोलन के किसान स्वयं में सड़क पे आ गया है। किसानों के साथ धोखाधड़ी की है सरकार ने, किसानों का धान नहीं खरीद रही, किसान परेशान है, अन्नदाता परेशान है, और अन्नदाता की बद्दुआएं बहुत खराब रहती है, कहीं ना कहीं सत्ता पे एक अन्नदाता के कारण आए, किसानों के कारण आए, और उनकी जिस प्रकार अवहेलना ये सरकार कर रही है, कहीं ना कहीं किसानों के साथ छल कर रही है ये सरकार। विपक्ष में है, बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर है, क्या अब आप लोगों की रणनीति रहने वाली है? बिल्कुल, हमारी रणनीति में किसान आंदोलन हमारा सबसे पहले शुरू होगा। हालांकि छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता के साथ, अलग अलग वर्गों के साथ इन्होंने छल किया। शराबबंदी के मामले में महिलाओं को शपथ देकर कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, वो नहीं किया। युवाओं को 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, 10 लाख नौजवानों को भत्ता देने की बात की थी, आज 10 भी नौजवानों को भत्ता नहीं दे पाए बिजली के मामले में। या ये तमाम मुद्दे एक तरफ,
सिर्फ एक दिन शेष बचा हुआ है धान खरीदी को लेकर, टोकन देना बंद कर दिया है। क्या मान रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो योजना संचालित की जा रही है वो तो अच्छी है, लेकिन अधिकारी उसमें पलीता लगा रहे हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं नाकामी है वो साबित हो रही है, जिस तरह से उनका उनकी जो मनमानी है वो भी देखने को मिल रही है। देखिए, मुझे लगता है सरकार की इच्छा शक्ति में अभाव है। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति होवे तो सब चीज में सफलता मिलती है। डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 साल तक धान खरीदा, एक बार भी किसानों को धान बेचने के लिए आंदोलन नहीं करना पड़ा। बड़े दुर्भाग्य की बात है, अपने आप को किसानों का मसीहा कहने वाले भूपेश बघेल जी की सरकार में आज किसानों को लाठियां मांगी जा रही, तो ये सबसे बड़ा अपराध है सरकार का। वाकई में सुंदरानी जी, अब एक दिन में आप लोग भी क्या मदद करेंगे किसानों की? देखिए, अब लड़ेंगे, लंबे लंबी लड़ाई लड़ेंगे किसानों। सुंदरानी जी, रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ आपके ही प्रतिद्वंदी शैलेश नितिन त्रिवेदी जी भी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष कांग्रेस संचार विभाग के। त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो त्रिवेदी जी ने यहाँ पे फोन रिसीव किया, लेकिन स्वराज एक्सप्रेस से इस वक्त जवाब देने पर उन्होंने मना कर दिया है। दोबारा एक बार फिर से हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि भाई सवाल का जवाब तो एटलीस्ट उनको देना चाहिए। सुंदरानी जी, देख रहे हैं, जवाब ही नहीं है। कांग्रेस के लोग अब पलायन करने लगे, मीडिया के सामने बात करने की हिम्मत नहीं रह गई। मतलब यहाँ पे आप भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, बोलती बंद करने में आप भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं सुंदरानी जी? फिर जी, आप लोगों का सबका सहयोग है ना। चलिए, बहुत शुक्रिया सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। हेमंत शर्मा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे। हेमंत, बहुत संक्षेप में। देखिए, राजनीतिक बयानबाजी दोनों ओर से हो रही है इस मामले को लेकर, लेकिन जो कुल मिलाकर परेशानी अगर है तो वो किसानों को है, क्योंकि ये दो दिन का समय बचा है और ऐसे में कई जगहों पर जो व्यवस्था अव्यवस्था निकल कर सामने आ रही है, कहीं ना कहीं सरकार सोचने की जरूरत है। और जिस तरीके से वहाँ पर किसकाल में जो घटना हुई है उसको लेकर भाजपा ने भी अपनी ओर से कमेटी बनाई है, और जो 5 सदस्यीय कमेटी है वो किसकाल के लिए रवाना भी हो गई है। वहाँ पर किसानों से भी मुलाकात जो भाजपा की कमेटी है के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर करेंगे। तो अब ये देखना होगा कि जो दो दिन का समय यहाँ पर बचा है, तो जो धान खरीदी का लक्ष्य सरकार ने रखा है उसको आखिरकार पूरा कर पाती है या नहीं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। कोरोना वायरस को लेकर